बूथ कैप्चरिंग को लेकर हुआ था चक्रामपुर हत्याकांड, चश्मदीदों ने बताई रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई। शिवपुरी जिले की नरवर थाना क्षेत्र के चक्रामपुर में हुई ट्रिपल मर्डर केस की वजह बूथ कैप्चरिंग थी। घटना के चश्मदीदों ने रविवार को नरवर थाने के सामने प्रदर्शन के दौरान ये बात कही। इस दौरान घटना के चश्मदीदों ने जब बताया कि किस प्रकार आरोपियों ने अमानवीयता के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो इसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। चश्मदीदों ने बताया कि आरोपियों ने जहां एक युवक को जिंदा जलाकर मार डाला, वहीं आरोपियों ने महिला को टंग पर टंग रखाकर चीरकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या की है। आरोपियों ने निहत्ते लोगों को घेर कर निर्ममता से 3 लोगों की केवल इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने आरोपियों को मतदान के दौरान फर्जी वोट डालने से रोका था। रविवार को ग्वालियर से शव नरमर पहुंचने पर कस्बे में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी। क्षत्रिय समाज और परिजनों द्वारा सभी आरोपियों के घरों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज करने और मृतकों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रशासन द्वारा मृतक के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता और अन्य मांगे स्वीकृत किए जाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद क्षत्रिय समाज और परिजनों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर शवों को लेकर गांव पहुंचे। सुनिए क्या कुछ कहा घटना के चश्मदीदों ने। शिवपुरी से नासिर खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पूनम जी, क्या बात थी? आप उस परिवार के परिजन हैं, स्वजन हैं? हाँ, वो हमारे रिश्तेदार थे। ये मेरी बेटी है, बेटी के। पूरा झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? बीजेपी पार्टी को लेकर हुआ था झगड़ा। क्या नाम है आपका? ये डल गया। क्या नाम है? शैली भदौरिया बहू। हम लोग वही थे, दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं। दो दिन का ये भाई बहन भोला भदौरिया की वाइफ, दोनों के पति डल गया। तो क्या फर्जी मतदान कर रहे थे? बूथ कैप्चरिंग का प्रयास किया जा रहा था। हाँ जी, वो रोक रहे थे उन्हें, इसीलिए इसी बात को लेकर पूरा झगड़ा हुआ था। इसी बात को हुआ, जब वो मार रहे थे उन्हें तो हर बार बोल रहे थे ये लो एक डल गया फर्जी वोट, ये लो ये एक बार फर्जी वोट डल गया। जब उनको कुल्हाड़ी से प्रहार किया जा रहा था तब हर बार यही बात बोल रहे थे, यही बोल रहे थे। मतलब हर कुल्हाड़ी के प्रहार पर ये कहा जा रहा था कि फर्जी वोट। जब गाड़ी में आग लगाई थी तब भी यही बोला था, सब एक स्वर सब बोले थे। पूरा गांव सिर्फ अकेला घर है जो बीजेपी का हमारा है, इसीलिए पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो पहले से थी। नहीं, झगड़ा झगड़ा चुनावी जी वोटिंग के ऊपर हुआ झगड़ा। मतलब कल जो झगड़ा हुआ वो वोट को लेकर हुआ था, मतदान तो फर्जी वोटिंग को लेकर कल झगड़ा हुआ जी। तो इसकी सूचना वहाँ पे किसी पुलिस को, प्रशासन को, किसी को दी गई थी? सब नहीं आए, पुलिस को फोन किया तो नरवर वाली ने तो फोन ही नहीं उठाया। किसको फोन करती हम? पुलिस तो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन मौन धारण करके बैठे थे। पैसे खा चुके थे, मौन धारण कर। जब कंट्रोल रूम पे हमने जितनी बार फोन किया उतनी बार हमें जवाब ये मिला, डीआई साहब के तक फोन पहुंच गया है, डीआई साहब के तक फोन पहुंच गया है। लेकिन यहाँ बच्चियों को कॉल करने के बाद पता चला कि वहाँ कोई एक गानी चिड़िया भी नहीं आई पुलिस के नाम पे। पुलिस वालों ने कोई भी वहाँ नहीं था, पहले उठाया नहीं, उठा के जी बोलते ऐसा बड़ा कोई केस नहीं है, पर एम्बुलेंस भेज देते थे। वो एम्बुलेंस भी जब भेजी, जब वो एक इंसान की मौत हो गई, गाड़ी जल गई, जल गई पूरी गाड़ी, जल गई, सबको मारा, जिंदा जलाया उन लोगों ने, हमारे लोगों को जिंदा जलाया। चुनावी रंजिश को लेकर लेडीज को तो हमने देखा सामने, लात धर के फाड़ा उसको, मम्मी को लात धर के फाड़ा, ऐसे फाड़ा लात धर के, हाथ लात धर के फाड़ने के बाद भी उनमें कुल्हाड़ी मारी है, उनके अंदरूनी अंगों में कुल्हाड़ी मारी है। जो पीएम हाउस पे अगर उस बॉडी को देख लेता कुला तो मुंह कांप जाती उसकी, अंदरूनी अंगों पर कुल्हाड़ी, उनके खून बंद नहीं हुआ है। जब तक उनकी डेथ हुई है तब तक खून बंद नहीं हुआ उनका। क्या नाम है बंजी आपका? मेरा संध्या परियार, मैं मेरी बेटी है ये बड़ी जी, जो क्या नाम है राजेंद्र भदौरिया के साथ जो शादी हुई है, ये बॉबी भदौरिया, वैभवी भदौरिया। मामूली हुई थी। कल का झगड़ा किस बात को लेके था? कल का झगड़ा पुरानी रंजिश को लेके था या पहले उन लोगों ने? कल का झगड़ा नहीं, परसों का झगड़ा था ये। पहले देवर
को घेर लिया था, जो बोले थे कि यही लड़का है, यही लड़का है, उन्हें बहुत दूरी तक पीछा किया था। अच्छा, हाँ, पूरा क्या मामला है यहाँ पे? लोगों ने चक्का जाम कर दिया है और इनका आरोप है कल जब मतदान हो रहा था तो ये जो व्यक्ति जो मरे हुए हैं, जो डेथ हो गई है जिनकी कारण, वो मतदान केंद्र पर ड्यूटी दे रहे थे और उनका कांग्रेस के जब कार्यकर्ताओं से झगड़ा हुआ और इसी के बाद इस पूरे में झगड़ा हुआ है। फर्जी मतदान या बूथ कैप्चरिंग वाली बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है। अभी तो बहुत दुखद घटना है, मैं स्पॉट पे आया हूँ, मैं उनके परिवारजनों से मिलूंगा, सभी समाज बंधुओं से मिलूंगा, अब पूरे नीचे तक हम जाएंगे कि सच्चाई क्या है। बाकी जो बंदा खत्म हुआ वो मेरा एजेंट था, तो मैं आया हूँ और परिवार के लोगों से चर्चा करूँगा, इसके बाद मैं आपको बोलूँगा। मैं एसपी साहब को भी बात हुई है मेरी, NSP से भी बात हुई है, कलेक्टर को भी बात हुई है मेरी, और पहले आके पूरे जानकारी ले लूँ क्योंकि अभी पोस्टमार्टम हो गया, अभी तक वो डेड बॉडी यहाँ तक आ पाई है, इसके बाद में आपको। तो अभी तक आपके संज्ञान में ये मामला नहीं है कहीं यहाँ पे मतदान केंद्र पर झगड़ा हुआ था या क्या हुआ? संज्ञान में है, मेरी संज्ञान में है, तत्काल मेरे को खबर लगी, मैंने एसपी को बात की, मैंने NSP को बात की, मैंने कलेक्टर को बात की और तत्काल जैसे ही डेड बॉडी हमारी, मैं तत्काल स्पॉट पर आया, पूरी जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद मैं आपको आगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि मतदान केंद्र पर इस तरह का झगड़ा हुआ तो प्रशासनिक फेलियर है कहीं ना कहीं? उस पर मैं कह रहा हूँ आपसे, आप रुके हैं, जब तक मैं पूरी जड़ तक नहीं पहुंच पाऊंगा, जब तक कुछ कह नहीं पा रहा, मुझे जड़ तक जाने दो। कुल मिलाकर मतदान को लेकर झगड़े की कार्रवाई की जानकारी आपको लगी थी? झगड़े होने की, देखो कि जब मतदान पे वो बैठा था इसलिए उससे झगड़ा किया, और जो निंदनीय घटना हुई है आज तक नहीं हो पाई, दिल दहलाने वाली घटना है, इस तरह बहनों को चीरा है, मारा है, बहुत निंदनीय घटना है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसके लिए मैं शासन से प्रशासन से मांग रहा हूं। आप भी लगातार 3 चुनाव लड़ चुके हैं, अभी तक इस तरह की घटना सामने नहीं आई, तो प्रशासनिक फेलियर तो आप मानते ही है ना कहीं ना कहीं इस मामले में? जीवन में कभी ऐसी घटना देखने को नहीं मिली जो आज मिली, उस पर मैं कह रहा हूँ हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और जिसने जो दोषी है उसको किस कीमत पे छोड़ेंगे नहीं। और मैं तो ये आग्रह करूँगा प्रशासन से और शासन, ऐसे लोगों को सजा नहीं होना चाहिए, फांसी सजा होना चाहिए, और 1 महीने में हाथ लगा कर इनको तत्काल इसका नाकर केस का हो, इनको फांसी।